हेलो फ्रेंड्स, आपका बंसल लाइफ में बिल्कुल भाई आपकी अपनी क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपना टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे एसिड एंड बेस का। एसिड एंड बेस जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का टॉपिक जो है उसका नाम है बॉसिंग सोडा। हम जितने भी सोडा हैं वो सारे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बॉसिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, उसके बाद अपना एक सॉल्ट जो होता है इसका नाम पीओपी कैसे बनता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो अपना जो है बेकिंग सोडा। तो हम यहाँ पर हम सब टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना बॉसिंग सोडा। तो दोस्तों, अगर हम बात कर ले बॉसिंग सोडा की, तो बॉसिंग सोडा पहली बात तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सर केमिकल नेम क्या है। तो बॉसिंग सोडा का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास ये है। बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला ये है। अब आप खुद सोचिए Na2CO3 भाई इतना चमका, क्या चमका कि भाई NaCO3 CO3 पे चार्ज, डाई नेगेटिव चार्ज से मुझको मतलब नहीं है। N पॉजिटिव क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहां, ये यहां, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला बनके तैयार होगा क्या, Na2CO3 ये आएगा फॉर्मूला। अब Na2CO3 तो बनेगा भाई 10H2O कैसे है, इसी को बोलते हैं हम डेकाहाइड्रेट। 10 मतलब 10 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेका से, और हाइड्रेट मतलब ये क्या, वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैंने क्या बोल दिया, हाइड्रेट। अगर मैं बात करूं यहां पर, मेरे पास दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। मैंने आपको सॉल्ट पढ़ा दिए हैं, मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर बताया था कि हमारे पास तीन तरीके के टाइप ऑफ सॉल्ट है। पहला होगा एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होगा बेसिक सॉल्ट, और तीसरा नाम पे न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब ऐसे सॉल्ट यहां पर एसिड, एक अच्छा एसिड, एक अच्छा बेस आकर मिलेंगे, क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर एक पुअर बेस और एक पुअर एसिड आपस में मिले तो कौन सा बेस बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। मतलब दोनों ही अच्छे हो, दोनों ही बेकार हो, तो कौन सा सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्ट की, तो एसिडिक सॉल्ट हमें कब मिलेगा देखने के लिए, एसिडिक सॉल्ट हमें जब मिलेगा जब एक अच्छा एसिड हो और वीक बेस हो, अब उसकी रिएक्शन कराई जाए। जो एसिड है अच्छा, वो इसके करैक्टर ज्यादा होंगे तो भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर आएगा, सॉल्ट बनेगा, पर कुछ करैक्टर्स के रह जाएंगे, मतलब एच ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें एच आएंगी, लिबरेटिंग टेंडेंसी होगी। अगर सिमिलरली बात करूं मैं बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट क्या होगा, इस बार बेसिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिडिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा मतलब बेसिक वाली एबिलिटी कहीं ना कहीं आएगी, मतलब OH लिबरेटिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं आएगी। तो यहां पर क्या होगा, इस बार ये मेरा जो बेस, जो सॉल्ट बनेगा इन दोनों को मिलाकर, उसमें बेस के करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगी, मतलब OH आयंस को लिबरेटिंग टेंडेंसी होगी। ये हमारे तीन तरीके सॉल्ट थे। अब इन्हीं में से हम एग्जाम्पल देखने आ रहे हैं बॉसिंग सोडा की, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। पहली बार दिमाग में रख लो बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब यहां पर क्या होगी, बेस की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। तो इसका पूरा जो केमिकल नेम बन जाता है वो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब हमारे पास अगर मैं सॉल्ट की और दो तरीके से कैटेगरी लू, सॉल्ट की बात करूं तो हमारे पास होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, और एक होता है हम पे एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जिनमें पानी की कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास ये सॉल्ट है, कैसे पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें पानी की कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर ऐसे सॉल्ट जिनमें पानी की कंसंट्रेशन ना के बराबर, मतलब हो ही ना, बिल्कुल जीरो हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। मतलब यहां पर लिख देता हूं कि भाई यहां पर पानी की कंसंट्रेशन कैसी है, बिल्कुल जीरो है, और यहां पर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, होगी। समझ में आ गया। तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं बॉसिंग सोडा की, तो भाई बॉसिंग सोडा की अगर बात करता हूं तो बेसिक सॉल्ट है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो जो सोडियम कार्बोनेट होगा, वो सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो वाइट क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है यार, बेसिक सॉल्ट है,
तो आप खुद बताइए वो क्या करेगा, जो लिटमस पेपर रेड वाला है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा ना कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखो यार, अगर प्रॉपर्टी बात करूं, बॉसिंग सोडा किस लिए आप यूज करते हो, घरों के घरों में फर्श को साफ करने के लिए भी आप यूज करते हो, कपड़ों को साफ करने के लिए भी यूज करते हो, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो डट और ग्रीस को रिमूव करने का काम करते हो। तो यहां पर क्या करोगे आप, डट मतलब जो भी आप में मिट्टी लगी होगी, जो भी गंदगी लगी होगी वो आप साफ करने का काम करोगे। ग्रीस मतलब यहां पर जो भी कोई केमिकल्स लगा होगा या जो भी कोई फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी लिपिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, जो भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होंगे, आप उनको रिमूव करने की कोशिश करोगे क्लॉथ पे से। तो यहां पर क्या होगा, बॉसिंग सोडा का जो मेन मुद्दा है वो क्या है भाई, साफ सफाई करना। कैसा सफाई करना, आपके अगर कोई क्लॉथ गंदा होगा तो क्लॉथ में से डट को रिमूव करना, ग्रीस को रिमूव करना। तो इसी बिहाव पर इस केमिकल का नाम क्या पड़ गया भाई, बॉसिंग पर्पस से मैं यूज कर रहा हूं तो नाम मैंने क्या रख दिया, बॉसिंग सोडा। अगर सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो हमें हीटिंग से मिलता है, ये आपको मैं बताऊंगा कैसे मिल रहा है। और अभी यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जरा आप अभी इन दोनों वर्ड्स को छोड़िए, अभी आपको यहां तक इतना क्लियर होगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं, बॉसिंग सोडा जिसका फॉर्म केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि कैसा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यहां पर क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला आएगा Na2CO3.10H2O। ये एक बेसिक सॉल्ट है तो भाई बेस वाली एबिलिटी रखता है। यहां पर इसका काम क्या होगा, ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में, क्योंकि बेस की ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड की ऐसी लगती है कि जो बॉसिंग पर्पस से आप यूज कर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बॉसिंग सोडा पड़ गया। आपके जो गंदे क्लॉथ्स हैं आप उनको यूज साफ करने के पर्पस से यूज कर रहे हो, आप उसमें डट और ग्रीस को आप रिमूव करने का काम कर रहे हो, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया, बॉसिंग सोडा के नाम से दे दिया। आपको अभी इतना समझ नहीं आया, अब अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा तो इसमें आपको ये दो पॉइंट्स में क्लियर करूंगा और फिर से लिख कर दूंगा। तो आप अभी इतना दिमाग में रखें कि ये क्या होता है। और हमने यहां पर ये पढ़ा था कि भाई सॉल्ट हमारे पास दो कैटेगरी के ही पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन, एक होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट और दूसरा होगा एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होगा जिसमें पानी की कंसंट्रेशन पाई जा रही होगी, तो ये कैसा है, हाइड्रेटेड। और एनहाइड्रस सॉल्ट वो होगा जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं पाई जा रही होगी। तो ये वाला हमारे पास ये जो सॉल्ट है वो कैसा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का टाइप है। इतना आपको क्लियर हुआ दोस्तों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बॉसिंग सोडा मैंने आपको बता दिया, अब बॉसिंग सोडा की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देख लें तो अभी देखिए मैंने आपको दो पॉइंट छुड़वाए थे, जरा आप एक बार यहां पर निगाह करिए। मैन्युफैक्चरिंग और बॉसिंग सोडा अगर बात कर लें तो जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। जिस प्रोसेस से बॉसिंग सोडा का फॉर्मेशन किया जाता है उसका नाम क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। और यार दोस्तों पहला इसमें स्टेप क्या होगा। और देखो अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो टॉपिक्स है यहां से आपकी स्कूल की टीचर्स बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे भी खुद पूछूंगा और आप खुद रख जाओगे, देखना। सबसे पहले पहला स्टेप होगा और पहले स्टेप में एक ब्राइन बर का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हेन द अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हैव पास थ्रू द CO2 गैस, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यार दोस्तों सारी चीज समझ नहीं आई, बस एक चीज समझ नहीं आई कि ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। अगर ये ब्राइन बर का मतलब समझ नहीं आया तो वो भी सॉल्व हो जाए। अब देखो ब्राइन मतलब क्या होता है, एक गिलास है आप पर और आप पर एक चम्मच नमक है, आपने क्या किया उस गिलास में पानी भरा हुआ, आपने नमक डाल दिया और नमक घोल दिया। अब जो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन बना है, उसको आप क्या बोलोगे, ब्राइन सॉल्यूशन बोलोगे। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl देश का टाटा नमक और पानी, तो मैं नमक लेके पानी में डाल दिया और पानी में घोल दिया और घोल के अब तुम्हें नींबू शिकंजी नहीं बनानी, क्या करना है आपको, इस पानी का जो बन के तैयार हो चुका है उसको मैं क्या बोलूंगा,
ब्राइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब ब्राइन सॉल्यूशन जो बना है, अब आपको क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में अमोनिया लेना है। तो मैंने क्या किया, अमोनिकल ब्राइन बोलना था तो मैंने अमोनिया भी यहां पर ऐड कर दिया। तो NaCl plus H2 इतना तो ब्राइन सॉल्यूशन हो ही गया, प्लस मैंने अमोनिया ऐड कर दिया, क्या मेरा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने बात मानी भाई, CO2 गैस पास करानी, मैंने करा दी, और कराने के बाद मुझे ये ऑप्टेन हुआ। फर्स्ट स्टेप में तुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है भाई, पहला स्टेप मिल रहा है इस बॉसिंग सोडा से बनाने का फर्स्ट प्रोसेस था, उस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, NaHCO3 मिल रहा है, NaHCO3 मिल रहा है। अरे NaHCO3 को क्या बोलूंगा मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलूंगा, इसका दूसरा ही नाम तो बेकिंग सोडा है। इसका मतलब बॉसिंग सोडा बिना बेकिंग सोडा के नहीं बन सकता भाई, फर्स्ट स्टेप तुझे बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। बॉसिंग सोडा अगर आपको बनाना है तो भाई आपको पहला स्टेप बेकिंग सोडा आपको बनाना पड़ेगा, और साथ साथ जब बेकिंग सोडा बनेगा तो यहां पर एक और कंपाउंड बन के बाहर निकलेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपको पहला स्टेप समझ में आया, फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है भाई, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बनाकर उसमें CO2 गैस मुझे पास करानी है, पास कराने के बाद पहला स्टेप मिलेगा मुझे बेकिंग सोडा, और नेक्स्ट मिलेगा मुझे अमोनिकल क्लोराइड। तो जो बेकिंग सोडा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप अपना ये है, अब आपने ये बना लिया, आप इसे उठा लाओ, और उठाकर अब आप इसे हीट करना स्टार्ट कर दो। मतलब आपने जो बनाया है अब आप इसे उठा लाओ, और उठाकर अब आप हीट करना स्टार्ट कर दो। तो वहां से क्या होगा, जो भी यहां पर जब आप हीट करोगे तो जो भी यहां पर अंदर छुपा हुआ वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकल जाएगा, और अब यहां पर जो बचेगा वो सिर्फ एनहाइड्रस सॉल्ट बचेगा, और जो एनहाइड्रस सॉल्ट होगा क्या वो Na2CO3 होगा। क्या यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, क्या यहां से CO2 गैस निकल गई, तो बचा क्या, Na2CO3, और जो ये Na2CO3 जो बचा है अब इसी को उठाकर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला कुछ, अगर मैं बॉसिंग सोडे के फॉर्मूले की बात करूं तो मेरा बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इतना स्टेप तो बनके तैयार हो गया, अब मुझे क्या करना है, ये और बनाना है। क्या बाद में हाइड्रेशन करना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं भाई, लास्ट वाला स्टेप लूंगा Na2CO3, इसको मैंने क्या बोल दिया, सोडियम कार्बोनेट बोल दिया, और अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रेशन कर दूंगा। क्या मैंने यहां पर क्रिस्टलाइन फॉर्म कर लिया था, एनहाइड्रस कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बनाया था, क्या वो क्रिस्टल में बना था, बिल्कुल बना था, अब मैं फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन कर दूंगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, फिर से पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, और क्या बन गया, Na2CO3.10H2 बन गया, और यही अपना क्या है, बॉसिंग सोडा। अब ले जाओ जो भी तुमने खाना वाना खाकर हाथ हाथ पहुंचे कपड़े पर, अब जाके उसे रगड़ के धो लो, बन गया आपका बॉसिंग सोडा। दोस्तों आप कहो या ना कहो यार, वो तो मैं भी जानता हूं, कपड़े तो आपको भी धोने पड़ते हैं, और धोने पड़ते हैं, और आपकी इससे अच्छी खासी मुलाकात होती रहती है आए दिन रोज, तो यार वो तो मैं भी समझ रहा हूं आपकी फीलिंग को, मत बताओ। अब अपने को ये देखना है यार, वॉशिंग सोडा बना कैसे, और ये तीनों स्टेप है ना अपने में बहुत ज्यादा काम के हैं, और ये आप मानिए कि ये पहला वाला स्टेप है वो आपके लिए गोल्डन स्टेप है, किसके लिए, बेकिंग सोडा के लिए। और अगर मुझे बाय चांस इन फ्यूचर में इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पढ़ता हूं बेकिंग सोडा, तो क्या मैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए इतने में ही छोड़ दूं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है क्या आप बॉसिंग सोडा बनाने जा रहे हो और आपको मैंने नमक नहीं दिया, मतलब टाटा सॉल्ट नहीं दिया, देश का नमक नहीं दिया, तो क्या आप बना पाओगे, क्या आप बना पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। पहले ब्राइन सॉल्यूशन तो दे, जब ही तो अमोनिकल ब्राइन बनाऊंगा, और अमोनिकल ब्राइन बनेगा जब ही तो बेकिंग सोडा बनेगा भाई,
और बेकिंग सोडा बनेगा, इसी को जाके हीट करूंगा, हीट करके क्या बनेगा अपने, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, सीओ टू मॉलिक्यूल निकाल देगा, क्या बचेगा एनहाइड्रस सॉल्ट बनेगा जिसी को बोलता हूँ मैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट वापस जाकर पानी से रिएक्ट करा दूंगा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2CO3.10H2 में। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। समझे, कोई डाउट फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट भी ले, लिखना भी स्टार्ट करें, और वीडियो को पॉज करके अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट कर लें। बता रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से उठते हैं आपके पास, तो ये तो ध्यान रख लीजिए, आपके स्कूल की मास साहेब का फेवरेट टॉपिक है ये, जहां से आपको भर भर के कंफ्यूज किया जाएगा। अरे चमक गया क्या, नहीं चमका तो कमेंट पर रिप्लाई कर दो। अब दोस्तों हम जरा इसके यूजेस की बात कर ले यार, तो हमारा इसके अगर बॉसिंग सोडा के हम यूजेस की बात करें, तो सबसे अगर हम पहला यूज देखें बॉसिंग सोडा का, तो यार बॉसिंग सोडा का जो पहला यूज है अपने पास, वो है अपने पास क्या, बॉसिंग सोडा क्या काम करता है भाई, सबसे पहला काम कपड़े धोने का काम करेगा भाई, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 10 साल के हुए तो उसके बाद से कपड़े धोना स्टार्ट किया था, और हमने किया क्या था, तो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कपड़े धोने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, जरा आप एक चीज बताइए मुझे, कभी आप गांव में गए हो और गांव में आपको ड्यूटी दी हो, बहुत बड़ा सम्मान देते हुए आपको ड्यूटी दी हो कि आज आपको सम्मान मिल रहा है आप पूरे गांव वालों के, या आपको जितने भी घर परिवार वालों के सबके आपको कपड़े धोने हैं, आप बोलो क्या सम्मान मिला है भाई, क्या बात। इधर देख, इधर देख, इधर देख, अगर मैं वॉटर की बात कर लू तो वॉटर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास हार्ड वाटर, हार्ड वाटर ऐसा नहीं लोहे से बना हुआ वाटर, नाम है हार्ड वाटर, लोहे से नहीं बनता, कंसेप्ट देखिए, इधर देखिए, और दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर, शायद थर्माकोल से बन जाता हो, इधर देख, इधर देख। हार्ड वाटर की अगर बात करूं मतलब ऐसा पानी होगा, पानी हमारे पास H2O तो होगा ही होगा, अगर ये नहीं होगा फिर वाटर किस बात का, पानी तो होगा ही होगा, बट इस पानी में कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होगा, ये पानी वो होगा जिसमें कोई भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं होगा, ओनली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, हो सकते हैं कि और भी मिनरल्स हो, बट ये कैसा होगा, सॉफ्ट पानी होगा, जो आप समर का यूज करते हो वो आता है सॉफ्ट पानी, और आप जो गांव में हैंडपंप जो खारा पानी होता है वो अपना ये आयन्स वाला होता है, और इसी को हम हार्ड पानी बोलते हैं। यहां पर क्या है, अगर आप यहां पर साबुन लगाओगे, तो अगर आप यहां पर साबुन लगाओगे तो आपका साबुन इस हार्ड वाटर में कपड़े धोने वाला साबुन यहां काम नहीं करेगा, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिटर्जेंट यूज करोगे, तो डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट क्या करेगा, यहां के प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम को लात मार के भगा देगा, पानी बचा पानी को जाके लड़ेगा और जय कपड़े को साफ कर देगा। इस वाले में क्या करेगा भाई, वो तो सिंपल ही पानी में कर रहा था ना, उसने क्या कर दिया इन दोनों को और लात मार के भगा दिया, तो सिंपल सी बात है डिटर्जेंट क्या करेगा, इस हार्ड वाटर में भी काम करेगा, जबकि जो नॉर्मल साबुन आते हैं वो क्या करेंगे, ओनली सॉफ्ट वाटर में काम करेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो डिटर्जेंट बनाने में आप डिटर्जेंट पाउडर डालते हो निर्मा, बॉसिंग पाउडर निर्मा, तो जो बॉसिंग पाउडर जो आप निर्मा डाल रहे हो किससे बनाया जा रहा है, इस बॉसिंग सुड्डा से बनाया जा रहा है भाई, बॉसिंग सुड्डा का आप इस्तेमाल करोगे जब तो जाके सिट्रेन पाउडर को बना पाओगे भाई, गलत मत समझो, सुट्टा नहीं सुड्डा बोला है मैंने, सुड्डा। इधर देखो, इधर देख, नेक्स्ट देख ले, अगर मैं पेपर्स और पेंट की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ये केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, पेपर और जो पेंट्स की जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर भी इस बॉसिंग सोडा का आप इस्तेमाल करते हो, इस केमिकल का आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई यार देखो सिंपल सी बात है, एक बॉसिंग सोडा है और बॉसिंग सोडा का मेन काम क्या है, डट को रिमूव करना, तो यार सिंपल सी बात है, आप घर में जितने भी आप सामान आप यूज करते हो, मतलब शायद आप फ्लोर क्लीनर आप यूज करते हो, बॉल क्लीनर आप यूज करते हो, मैटी क्लीनर आप यूज करते हो, जो भी आप सामान यूज करते हो उनमें कहीं ना कहीं ये बॉसिंग सोडा की
क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, और इस बॉसिंग सोडा की जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं इन सब सामानों में प्रेजेंट होगी, मतलब बॉसिंग के जितने भी सामान है उन सब में प्रेजेंट होगी, और साथ साथ लॉन्ड्रीज वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो भाई पहली बात तो सही पढ़ना है, गलत मीनिंग मत निकालो इसका। लॉन्ड्रीज बड़े इसका, लॉन्ड्रीज वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ? तो दोस्तों पहले यार देखो, अगर आपको नहीं समझने आ रहा तो यार बिल्कुल कमेंट पर रिप्लाई करें, और समझने आ रहा यार तो रिप्लाई करें, आपका हर एक रिप्लाई हमको मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने में। तो दोस्तों यार ये हमारा ऑल अबाउट बॉसिंग सोडा था, क्लास टेंथ के आपसे इस बॉसिंग सोडा के बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, और आपकी जो टीचर्स हैं आपको इस बॉसिंग सोडा के कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस जरूर देंगे। तो दोस्तों प्लीज प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल यार, अपने ही इस बंसल क्लास को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने आपको यहां प्रॉमिस किया है, आपको यहां पर जितने भी साइंस के टॉपिक्स होंगे टेंथ के, मैं यहां पर धीरे धीरे आपके सारे कवर कर दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। बट आप भी एक छोटा सा प्रॉमिस कर ले यार, वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आपका एक सिंगल मोटिवेशन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। गुड बाय दोस्तों।